डिजिटल टीचर ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के असेसमेंट टूल्स की बात करूंगा। कहते हैं कि खेल खेल में विज्ञान सीखें, खेल खेल में अंग्रेजी सीखें, तो इस प्रकार एक सब्जेक्ट को रोचक बनाने के लिए हम डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं। उसमें से आज मैं एक यूज करूँगा फिलिप्टी, एक साइट है, आप इसे वेब पर सीधा जाकर ओपन कर सकते हैं और philippi.net पहली साइट आएगी और उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चों के लिए बनाने के लिए बहुत सारे गेम्स खुल जाएंगे आपके सामने। जैसे मैचिंग गेम होगा, बोर्ड गेम, वर्चुअल ब्रेकआउट। मैं किसी एक ट्रिक की बात करूंगा, बाकी इस साइट पर सभी डेमो दिए गए हैं। उन डेमो की सहायता से आप बच्चों के लिए रोचक रोचक गेम बना सकते हैं, बच्चों को इंग्लिश के बारे में, और इंग्लिश ही नहीं बल्कि इस ऐप के द्वारा, इस साइट के द्वारा आप डिफरेंट गेम्स सभी सब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने कोई इंग्लिश में ही पहला चैप्टर कोई पढ़ाया, उस चैप्टर के आपको वर्ड्स देने हैं बच्चों को याद करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं? एक तो नॉर्मल तरीका हो गया, बच्चे ने याद किया। एक तरीका ये हुआ यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, उन्हें पूरा एक ग्रिड बना के दे देंगे और ग्रिड में बच्चा अपने आप सेलेक्ट करे, छाटेगा। जैसे मुझे किसी बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताना है, तो इसमें कुछ नहीं था, इस साइट पर जाना है, ओपन करना है और जैसे लॉयन लिखा मैंने, टाइगर, जो वो नाम है जो आप बच्चे को देना चाहते हैं कि बच्चा उनको खेल खेल में सीखे, वो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। डॉग है, कैट, में जानबूझकर छोटे छोटे आपको स्पेलिंग लिख रहा हूँ जिससे ज़्यादा समय आपको ना लगे। केवल मेरा उद्देश्य है आपको केवल आज एक नए गेम के बारे में बताने का, नई साइट के बारे में बताने का। काऊ हुआ, काऊ के बाद हमने हॉर्स हुआ, हॉर्स के बाद बर्ड, कोई भी बर्ड लिख दिया मैंने, और ये क्रो हुआ। और हम बच्चे से कहेंगे कि भाई ये 10 नाम इस ग्रिड में छाटो। अब आप थोड़ा सा समय देंगे, आपको मैं इसे जनरेट करता हूँ ग्रिड को, और देखना कितना समय लगेगा। जैसे ही मैं जनरेट पर क्लिक किया, एक पूरा का पूरा ग्रिड बनकर तैयार आ गया ना। अगर आप इसे बच्चे को, हम क्या, नीचे क्लू भी आया साथ में, अब बच्चे को हमें ग्रिड देना है और ग्रिड देकर कहना है कि इसमें से 10 एनिमल के नाम स्पेलिंग है, उनको आप छाटिए। कोई जरूरी नहीं, आप यूनिट दे सकते हैं साइंस में, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। आप मैथ्स में जो मैथमेटिशियन है उनके नाम दे सकते हैं याद करने के लिए, वो तो अपने सब्जेक्ट है। आपने सोशल साइंस में आपने रिवर के नाम दे दिए, माउंटेन के नाम दे दिए, तो हर सब्जेक्ट में इस ग्रिड का हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक प्रिंट है, मतलब अगर मैं यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सीधा, तो ये आपको प्रिंट निकल कर आ जाएगा। आप ऑफलाइन में भी बच्चों को सामने कभी कभी कहना कि भाई हमें उस आईक्यू लेवल पता करना है, डिफरेंट एक्टिविटी करनी है, तो डिफरेंट एक्टिविटी प्रिंट निकाल कर हम दे सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शो और हाइड आंसर की कर सकते हैं, और हम चाहें कि ग्रिड हमें चेंज करना है, कुछ बच्चों को ये ग्रिड देना है, उसके पीछे वालों को दूसरा देना है, आप देखिए क्लिक कीजिए, एक नया ग्रिड बनकर आ गया। और जबकि वही क्लू है, वही बच्चे हैं, सेम है, पर उसके बावजूद वो ग्रिड चेंज हो जाएगा और आप कोई सा भी ग्रिड हर अलग अलग बच्चे को दे पाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई ऑफलाइन में प्रिंट निकालकर बच्चों को दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रिड बना सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अभी जून का महीना चल रहा है, हमें बच्चे को ऑनलाइन भेजना है, तब क्या करेंगे हम, ऊपर वाला लिंक, जो ऊपर ये लिंक आपके मोबाइल पर, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर आया होगा, इसको हम कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करके हम व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल क्लासरूम के माध्यम से, डिफरेंट पोर्टल जो हम यूज करते हैं उनके माध्यम से बच्चे को फॉरवर्ड कर देंगे। बच्चा क्या करेगा, गूगल पर जाकर या उसे कहीं पर ओपन करेगा, और ओपन करते के साथ वो ग्रिड उसके सामने आ जाएगा। देखिए, उसके सामने ये ग्रिड आ गया है और बच्चा इसे सॉल्व करके आपको भेज देगा। इस प्रकार फिलिप्टी के द्वारा, या एक बहुत अच्छे डिफरेंट टाइप के गेम हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। यह मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह केवल अंग्रेजी, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए नहीं है टूल्स, ये डिफरेंट सब्जेक्ट में अपने अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका हम यूज कर सकते हैं। यह एक फ्री टूल है और इस पर हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना है, और बच्चों के लिए हम डिफरेंट टाइप के गेम बना सकते हैं। थैंक यू।